हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, और व्यूअर्स ये भी देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या थी। तो कुछ कार्ड सबसे पहले मैं आपके लिए निकालूंगी और कुछ कार्ड्स फिर आपके पर्सन के लिए निकालूंगी, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी देखेंगे कल रात की क्या थी। तो व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये रीडिंग आपके लिए भी है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो आपके लिए भी है व्यूअर्स ये रीडिंग, ये सभी के लिए है। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दें। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स, नेक्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो व्यूअर्स, ये आपके कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर के लिए आया है थ्री ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है एट ऑफ सोर्स। यहाँ पर एयर साइन है कुंभ मिथुन तुला, एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, वाटर साइन है मीन कर्क वृश्चिक, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या, कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो, फायर साइन मेष सिंह धनु, एरीज लियो सेजिटेरियस। तो व्यूअर्स, ये आपके या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एट नंबर, नाइन नंबर, सिक्स नंबर, सेवन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, टेन नंबर। तो व्यूअर्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपकी भी हो सकती हैं। ओके व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं आपकी म्यूचुअल एनर्जी से। आपके पार्टनर और आप दोनों ही कल रात बहुत ही स्टक महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ जैसे थम सी गई है, रुक सी गई है। लाइफ में कुछ इन्जॉयमेंट नहीं रहा, कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो आपको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। लाइफ में बस ऐसा लग रहा है जैसे कि बंदिशें ही बंदिशें चारों ओर से आपको घेरे हुए हैं, और जैसे आपके चारों ओर किसी ने कोई रुकावटों का जाल सा घेरा सा बना दिया है, जिससे आप निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। आपका दिल, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप अपना बैलेंस खोते जा रहे हैं। आप जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहते हैं बट नेगेटिव ही होते चले जा रहे हैं। नेगेटिविटी पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा था, आप खुद को बहुत ही बंधा हुआ और ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने कोई जाल सा बुन दिया है आपके चारों तरफ, और आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी म्यूचुअल एनर्जी कल रात की। ओके व्यूअर्स, तो देख लेते हैं कल रात और क्या सोच रहे थे आप। आप सोच रहे थे अपने पास्ट के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उनके बारे में सोच रहे थे कि आप बचपन में कितना एंजॉय करते थे उनके साथ में। आपके वो फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ खो से गए हैं, और कल रात आप अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे थे, और आप दुआ भी कर रहे थे कि काश आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आ जाएं, उनसे आपकी मुलाकात हो जाए जिनसे आप बरसों से नहीं मिल पाए हैं। तो व्यूअर्स, आप ये सोच रहे थे और अपने पार्टनर के बारे में भी सोचकर बहुत इमोशनल हो रहे थे। आपको आपके पार्टनर की भी बहुत याद आ रही थी, आप उनको भी बहुत मिस कर रहे थे। तो व्यूअर्स, देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात। आपके पार्टनर के कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कल रात आपको बहुत मिस कर रहे थे, और आपकी पिक्चर्स देख रहे थे और आपसे बातें कर रहे थे, यानी कि आपकी पिक्चर्स से बातें कर रहे थे। वो आपसे कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत क्यों हो तुम, कि मेरा दिल ही चुरा लिया है, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कह नहीं पाता और तुम्हारी ब्यूटी में खो जाता हूँ। तो वैसा ही कल रात महसूस कर रहे थे, और वो आपका वेट कर रहे थे कि काश कि आप उनसे मिलें एक बार और वो आपको बताएं कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। बट उनकी ईगो, उनका घमंड, उनकी जो आना है ना, वो उनके आगे आ जाती है, और वो कहते कहते भी रुक जाते हैं। अपनी दिल की जो फीलिंग्स है वो आपको बयां नहीं कर पाते। उनके दिल में, दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती हैं। कल रात भी वो यही सोच रहे थे कि मुझे
कि मुझे क्या हो जाता है जब मैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में होता हूँ तब उससे ये सारी ही बातें कह नहीं पाता, और जब मैं उससे बात नहीं कर रहा होता हूँ तो उसको इतना मिस करता हूँ, उसकी मुझे इतनी याद आती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर से ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए और कोई नहीं है। तो व्यूअर्स, कल रात वो यही सोच रहे थे, और कल रात आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे कि ऐसा क्यों होता है जिसे हम इतना प्यार करते हैं, जिसको हम इतना चाहते हैं, जिसके साथ हम लाइफ बिताना चाहते हैं, उसी से हम दूर क्यों चले जाते हैं। और वो ये भी सोच रहे थे जिससे हमारे दिल मिलते हैं उससे किस्मत के सितारे क्यों नहीं मिलते, उसके साथ ही जुदाई क्यों लिखी होती है, उसके साथ एक होना क्यों नहीं लिखा होता, वो हमारी डेस्टिनी में क्यों नहीं होता। तो व्यूअर्स, वो आपके बारे में यही सोच रहे थे और आपको बहुत मिस कर रहे थे। कल रात उनको नींद नहीं आई, सारी रात जागते रहे हैं, आपको ही मिस करते रहे, आपके बारे में सोचते रहे, आपकी पिक्चर्स को देखते रहे और आपकी पिक्चर से बातें करते रहे। ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा भी लग रहा था कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपके जीवन में कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ है, शायद आपकी लाइफ में कोई आ गया है। वो यही सोच रहे थे कि शायद आप उनको भूल चुके हैं और किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो कल रात आप दोनों ही यही सोच रहे थे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।